क्या बताया फिर से बेटा? यही बैठाइए, यही बैठाइए, प्रशासन बोलाइए पहले, ये बिना थ्रेट कब के अंदर घुस गया तुम वीडियो बना रहे हो, तो यही बोलाइए पहले, बिना परमिशन के क्यों वीडियो इस वीडियो में आप जिस शख्स को एक सड़क छाप गुंडा मवाली वाली हरकत करते देख रहे हैं, हकीकत में ये कोई सड़क छाप गुंडा मवाली नहीं, बल्कि ये जनाब एक निजी क्लिनिक के संचालक हैं और पेशे से डॉक्टर भी हैं। इनका नाम डॉक्टर संतोष कुमार है और जिसके साथ डॉक्टर संतोष कुमार एक अनपढ़ गवार और गुंडा मवाली वाली हरकत कर रहे हैं, वह एक पत्रकार है। तस्वीर में जिस तरह से इस डॉक्टर के द्वारा कायदे कानून को ताक पर रख कर एक पत्रकार के साथ सरेआम मारपीट कर फिर अपने लाइसेंसी राइफल पत्रकार पर तान कर उसे जान से मारने की धमकी देना, वह भी एक अस्पताल परिसर में जहां तेज आवाज में बात करने की भी मनाही होती है, वहां पर इस तरह की हरकत खुद उसी क्लिनिक के डॉक्टर के द्वारा करना डॉक्टर की मानसिक स्थिति पर भी सवाल पैदा करता है। यह मामला बिहार के मधेपुरा जिला का है और यह घटना बीते मंगलवार को घटी है। मालूम हो कि बीते मंगलवार को पत्रकार शाहनवाज आलम और मिराज आलम दोनों मिलकर जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की खबर कवरेज करने जा रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेडिकल कॉलेज की कुव्यवस्था को लेकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर पत्रकार शाहनवाज आलम और मिराज आलम भी उस खबर को कवर करने के लिए मेडिकल कॉलेज की तरफ जा रहा था कि तभी मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने स्थित पाटलिपुत्रा अस्पताल के सामने कुछ लोगों की भीड़ जमा देखकर वह दोनों वहां पहुंच गए तो पता चला कि मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड की एक महिला मरीज का उसी पाटलिपुत्रा अस्पताल में हर्निया का एक नहीं बल्कि दो दो बार ऑपरेशन किया गया। पहला ऑपरेशन बीते फरवरी माह में और दूसरा ऑपरेशन मार्च में। दो दो बार ऑपरेशन करने के बावजूद भी मरीज की बीमारी ठीक नहीं बल्कि उसकी परेशानी और बढ़ गई। इस मामले में महिला मरीज द्वारा अस्पताल के संचालक डॉक्टर संतोष कुमार और उसके नर्सिंग स्टाफ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद ही संगीन है, जिसे हम अगली खबर के माध्यम से आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसी पीड़ित महिला मरीज और उनके परिजन से दोनों पत्रकार बयान लेकर डॉक्टर संतोष कुमार का पक्ष जानने के लिए अस्पताल परिसर में ही उनका इंतजार करने लगे, क्योंकि डॉक्टर संतोष कुमार उस वक्त अपने अस्पताल में मौजूद नहीं थे और उनका पक्ष जानना भी ज़रूरी था। पत्रकार शाहनवाज आलम और मिराज आलम का कहना है कि जैसे ही डॉक्टर संतोष कुमार अपने क्लिनिक पर पहुंचे, वैसे ही वे अपनी गाड़ी से उतरने के साथ ही अपने सहयोगी के साथ मिलकर दोनों पत्रकार के साथ मारपीट करने लगे और पत्रकार का बैग जिसमें उसका लोगो आईडी कार्ड समेत उसकी गाड़ी भी छीन लिया गया। उसके बाद डॉक्टर अपने लाइसेंसी बंदूक तान कर गोली मारने की भी धमकी पत्रकारों को दी। मौके की नज़ाकत को समझते हुए किसी तरह दोनों पत्रकार अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए। यह बात भी सामने आ रही है कि उस दौरान डॉक्टर संतोष कुमार द्वारा गोली भी फायर किया गया, हालांकि गोली किसी को नहीं लगी। बहरहाल पत्रकार के साथ इस तरह की घटना से मधेपुरा के पत्रकारों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। जिले में के तमाम पत्रकारों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए जिला पदाधिकारी और पुलिस कप्तान से अविलंब डॉक्टर पर प्राथमिकी दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। पत्रकार संगठन इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन और आयरा ने साफ लफ्जों में कहा है कि पत्रकार के साथ इस तरह की घटना नाकाबिले बर्दाश्त है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अविलंब इस मामले पर संज्ञान लेकर दोषी डॉक्टर की गिरफ्तारी अमल में लाए और साथ ही उनके लाइसेंस बंदूक के लाइसेंस को रद्द करते हुए उनके अस्पताल से संबंधित सभी कागजात की जाँच करे, अन्यथा मधेपुरा जिला के सभी पत्रकार संगठन संयुक्त रूप से आंदोलन करने को बाध्य होंगे।